चार बच्चों की माँ गांव के ही प्रेमी के साथ फरार हो गई पति को छोड़कर। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। रोहतास से कैसी खबर सामने आई है जो देखकर आप भी कहिएगा वाह रे कलयुगी पत्नी और माँ। जी हाँ, बिल्कुल, रोहतास का ये खबर है जहाँ चार बच्चों की माँ अपने गाँव के ही प्रेमी के साथ फरार हो गई पति को छोड़कर। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के द्वारा भवन निर्माण जो आवास योजना जो होती है उसका पैसा भी पत्नी को मिला और उस पैसे को लेकर और चार बच्चे को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गए। पति दर दर का ठोकरे खा रहा है और उसका कहना है कि पक्के मकान का सपना हम लोग देख रहे थे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन पत्नी ने कर दिया बड़ा कांड और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गए। गाँव का ही रहने वाला वो प्रेमी है जिसके साथ पत्नी फरार हो गई है। देखिए पहले इस वीडियो। रोहतास में एक पति पक्के मकान का सपना सजा रहा था जबकि पत्नी पीएम आवास के तहत मिली राशि लेकर अपने प्रेमी और बच्चों के साथ फरार हो गई। एक महीने से भी ज़्यादा समय तक पत्नी की रिश्तेदारों और पहचान वालों के यहाँ खोजबीन करने के बाद एक महीने से भी ज़्यादा समय बीत गया। पति रिश्तेदारों और पहचान वालों से पूछताछ किया लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। अब इस मामले को लेकर पति थाने पहुंच गया शिकायत करने। मामला जिले के करगाहर गांव का है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तुलसीराम घर बनवा रहा था। आवास योजना की किस्त पत्नी के बैंक अकाउंट में आई जिसके बाद पत्नी उन रुपये और चार बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। प्रेमी भी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, दोनों का घर आसपास ही है। करगर प्रखंड के ग्राम पंचायत करगर गांव में तुलसीराम की पत्नी इंदिरा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी के तहत रूप में चयनित किया गया था। उसके खाते में आवास योजना की पहली किस्त 45,000 रुपये आए थे। इसी बीच इंदिरा देवी अपने प्रेमी पिंटू राम के साथ अपने चार बच्चों को लेकर फरार हो गई। तुलसीराम ने बताया कि 90,000 रुपये लेकर उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। आवास नहीं बना तो लाभार्थी के खिलाफ हो सकता है कड़ी कार्रवाई। वहीं वीडियो का कहना है कि आवास योजना की पहली किस्त आई है, हालांकि पिंटू के परिवार वाले आवास योजना का काम करा रहे हैं। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि लाभार्थी को नोटिस दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर जल्द ही आवास निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा तो लाभार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो आपने देखा कि पत्नी के चक्कर में पति ना तो घर का रहा ना तो घाट का रहा। पत्नी तो प्रेमी के साथ फरार हो गई अपने बच्चे को लेकर, अब पत्नी मस्ती कर रही है अपने प्रेमी के साथ, लेकिन पति का क्या कुछ बुरा हाल हो रहा है वो देखने वाला कोई नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहली किस्त मिली है उसमें भी पति फंस गया है कि अगर भवन निर्माण जल्द से जल्द नहीं होता है तो जेल भी जाना पड़ेगा। अब पति परेशान है, पति पत्नी को खोजे या मुकदमा लड़े, इससे पति काफ़ी परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहा है पासबुक लेकर।